रीवा में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है। निकाली गई लाडली बहनों की स्कूटी रैली, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने दिखाई हरी झंडी। कार्यक्रम को लेकर हो रही जगह जगह तैयारियां। स्वामी विवेकानंद पार्क एवं एसएफ मैदान का किया गया निरीक्षण। आपको बता दें कि रीवा में 10 अगस्त को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आएंगे, जहां लाडली बहना के 3,000 रुपये रीवा से तीसरी किस्त जारी करेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अब जोरों पर है, जहां पर खुले रथ में होगा विवेकानंद पार्क कॉलेज से मेडिकल कॉलेज तक का जन दर्शन कार्यक्रम। सीएम शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों की तीसरी किस्त 10 अगस्त को मध्य प्रदेश के रीवा से जारी करेंगे। वे एक सिंगल क्लिक के माध्यम से बहनों के खाते में ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर देंगे। इसके लिए रीवा में भव्य कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही है। इस आयोजन में प्रदेश भर से हजारों की संख्या में लाडली बहना जुड़ेंगी। कार्यक्रम को लेकर पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने आज एसएफ मैदान एवं स्वामी विवेकानंद पार्क का निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान महिला बाल विकास विभाग के द्वारा आयोजित की गई लाडली बहनों की स्कूटी रैली को पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कलेक्टर प्रतिभा पाल, नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन, महिला बाल विकास अधिकारी प्रतिभा पांडे सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को लेकर पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि सीएम शिवराज ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि लाडली बहना सेना को महिलाओं से संबंधित योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए ट्रेन किया जाए। जल्द ही वह लाडली बहना सेना का सम्मेलन भोपाल में करेंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की तीसरी किस्त 10 अगस्त को रीवा में राज्य स्तरीय सम्मेलन के माध्यम से भेजी जानी है। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। रीवा में इस दिन सीएम शिवराज का मेगा रोड शो भी होगा। सीएम शिवराज यहां मेडिकल कॉलेज के नवनिर्मित छात्रावास भवनों का लोकार्पण भी करेंगे। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा पहुंचकर विवेकानंद पार्क कॉलेज चौराहे से खुले रथ में जन दर्शन कार्यक्रम के लिए शामिल होंगे। जन दर्शन कार्यक्रम मानस भवन, शिल्पी प्लाजा, बाजार, स्वागत भवन से होते हुए अस्पताल चौराहे में समाप्त होगा। जन दर्शन में पूरे विंध्य में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किए गए विकास के उल्लास का प्रकटीकरण होगा। जन दर्शन में लाडली बहना सेना मुख्यमंत्री के रथ के आगे आगे चलेंगी। वहीं इसी कार्यक्रम की तैयारी को लेकर आज पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला, नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह सहित प्रशासनिक अमला उपस्थित रहा। प्रस्तुत है पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। बहना योजना की स्कूटी रैली को हरी झंडी भी दिखाई गई है और निरीक्षण भी किया जा रहा है। 10 तारीख को मुख्यमंत्री जी रीवा पधार रहे हैं। लाडली बहना का सम्मेलन ग्राउंड में होगा और कॉलेज चौराहे से अस्पताल चौराहे तक रोड शो होगा। पहले वो विवेकानंद जी की प्रतिमा में माल्यार्पण करेंगे, यहाँ से लाडली लक्ष्मियों को संबोधित करेंगे, फिर रथ में सवार होके और फिर वो अस्पताल चौराहे तक लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे, क्योंकि रीवा के लोगों में बड़ा उत्साह है। पिछले 20 वर्षों में रीवा की जो तस्वीर बदली है उसमें मुख्यमंत्री जी का विशेष स्नेह रीवा और विंध्य क्षेत्र से रहा है। बाण सागर की नहरों से लेके और तमाम जितना भी अधोसंरचना के काम दिख रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहा है, रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण हो रहा है, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में वरदान बन गया है, तो जनता लोग मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करेगी, उनको धन्यवाद देगी। इसलिए वो रोड शो के माध्यम से कॉलेज चौराहे से हम लोगों के विशेष आग्रह पर अस्पताल चौराहे तक खुली गाड़ी में जाएंगे और उसके बाद वहाँ गाड़ी में बैठ के फिर एसएफ के ग्राउंड में जाएंगे। तो इसलिए आज यहाँ चूँकि यहाँ से शुरुआत होनी है इसलिए हम लोग इसको देखने आए। अभी तक किस तरह की तैयारियाँ पूरी हो चुकी है विवेकानंद जी की मूर्ति को लेकर? भी देखिए पीछे सीढ़ी बन के रंगरोगन हो गया विवेकानंद जी की प्रतिमा का और यहाँ पार्क का एक तरीके से फिर से रेनोवेशन हो गया है। तो मुख्यमंत्री जी के आने के बाद जो कुछ भी बेहतर सुधार है।